क्या आपको लगता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार की जरूरत है? आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा पद्धति में कम से कम पढ़ने वाले बच्चों को अपने देश की परंपरा का, इतिहास का तो ज्ञान होना चाहिए ना। वे अहिल्याबाई के बारे में अनजान है, महारानी दुर्गावती के बारे में बिल्कुल उनको कोई ज्ञान नहीं है, महारानी पद्मिनी के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कब जानेंगे, वो देश के इतिहास के बारे में कब जानेंगे। इसके लिए मेरा सुझाव था, प्रस्ताव था कि हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, वो तो भगवा कर्ण नहीं माना जाएगा ना, क्योंकि वो तो शुद्ध गांधीवादी थे, तो उनकी भारत भारती मानस पटल पर आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, वो भव्य भावोद्भावनी वह भारती है श्रीपते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते, हम कौन थे और क्या हो गए हैं, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज हम सब ये समस्याएं सभी, ये भारत क्यों नहीं पढ़ाई जाती। अब ये काम करके देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, अपनी अस्मिता का, अपने विगत गौरव का ज्ञान तो होना चाहिए ना हमारी संतति को। अब आज तो स्थिति ये हो रही है कि हमारी संतानें यशोदा माता के आंचल में भगवान श्री कृष्ण पले और बढ़े तो हमको भगवान की प्राप्ति हुई, और यदि उनको पूतना को दे दिया गया होता, पूतना आई थी भगवान कृष्ण ने उसके प्राण हरण किए, जितनी पूतनाएं हैं ये जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं वो सब पूतना का काम कर रहे हैं। मदर टेरेसा एंड कंपनी को भारत में शिक्षा कम से कम उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए, सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड, उनका स्तर बढ़ाया जाना चाहिए और सरकारी स्कूलों को इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए कि वहां पढ़ने वाला सांप्रदायिक नहीं, मजहबी नहीं, किंतु बिल्कुल शुद्ध खरा राष्ट्रवादी बने। इसमें ये हम अगर मांग करते हैं तो इसमें किसी को क्या प्रति होनी चाहिए, लेकिन यदि उसका नाम बदला जाएगा शिक्षा मंत्रालय का मानव संसाधन मंत्रालय, और उसमें अगर मैं तुलसी तेरे आंगन की स्मृति ईरानी जी पधारेंगी जिनको शिक्षा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कभी मालूम नहीं है, और फिर इतनी कृपा उन पर कि वो शिक्षा मंत्रालय में से लिया जाए तो उनको कपड़ा मंत्रालय, वो टेक्सटाइल के निर्माण की प्रक्रिया को से परिचित हैं और क्या जानती हैं वस्त्र के बारे में, वस्त्र उद्योग के बारे में, तो और क्या कपड़ा मंत्रालय उनको देने के पश्चात ये नीति बनी कि संपूर्ण भारत भर में केवल हाथ के बने हुए कपड़े, करघे के बने हुए कपड़े, चरखे से कटे हुए सूत के कपड़े, ये करके देखिए सबको काम मिलेगा और कितना लाभ होगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप गांधी जी का चश्मा छाप रहे हैं उसके ऊपर, नोट के ऊपर, और नया नोट आपने निकाला तो उसमें भी गांधी जी मौजूद हैं, तो गांधी जी कब तक नोटों पर छपते रहेंगे, ये संसार के किसी देश में नहीं होता, न अमेरिका में होता है, न इंग्लैंड में होता है। हमारे जितनी भी महान परंपरा है, महान महापुरुषों की, हमारे लोकमान्य भगवान तिलक हैं, मालवीय जी महाराज हैं, महारानी लक्ष्मीबाई हैं, महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी महाराज हैं, गुरु नानक देव हैं, उन सबको हमारे नोटों पर होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को होना चाहिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को होना चाहिए, भगत सिंह को होना चाहिए, और फिर उनके बारे में स्कूलों में, शिक्षण मंदिरों में नई पीढ़ी को उनकी जानकारी भी मिलनी चाहिए। इसमें सांप्रदायिकता कहाँ है? महाराज, एक इतिहासकार है रामचंद्र गुहा, उन्होंने महाराणा प्रताप और शिवाजी को क्षेत्रीय नायक बताया था, और अंग्रेजियत का चश्मा जब आंखों पर चढ़ता है तो हिंदू पद पादशाही के स्वप्न दृष्टा छत्रपति शिवाजी महाराज को और महाराणा प्रताप को क्षेत्रीय नेता मानना इससे बढ़कर के मूर्खता, जहालत की दूसरी हो नहीं सकती। महाराणा प्रताप संपूर्ण हिंदू स्वाभिमान के महानायक थे और उनका उद्देश्य संपूर्ण भारत भूमि को मुक्त करना और पुनर्गौरव की, गौरव की पुनर्स्थापना, ये उनका उद्देश्य था। वो किसी क्षेत्र के नायक नहीं, अगर क्षेत्र के नायक होते तो भारत के घर घर में उनकी जो देवताओं की समान पूजा हो रही है वो क्यों होती। वो महानायक हैं, भगवान राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर की जो महान परंपरा है, महाराजा विक्रमादित्य की, सम्राट भोज की, उस परंपरा के संवाद थे महाराणा प्रताप, वो क्षेत्रीय नायक नहीं थे। ये रामचंद्र गुहा को अब वो अगर जीवित हों तो इलाज करवाना चाहिए अपनी अक्ल का।